रहेंगे मेरे पास काफ़ी, उस पर वक्त अगर होता तो बात कर लेते, लेकिन जनाब वाला आपकी तवस्सुत से मैं सिर्फ हुकूमत बलोचिस्तान और ख़ासकर जो ओम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वज़ीर आला साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा नहीं है, सलीम कोसो साहब बैठे हैं, दोनों से मुतल्लिक है कि बलोचिस्तान में बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वी हैव टू बी लिटल बिट इनोवेटिव एंड वी हैव टू बी लिटल बिट सीरियस। आपको जिद्दत लानी पड़ेगी और थोड़ी सी संजीदगी लानी पड़ेगी हुक्मरानी में। ये जो जितना कारोबार है, हम नहीं चाहते जो तेल का कारोबार करने वाले लोग हैं छोटी मोटी गाड़ियों में, इनको बेरोजगार करें, लेकिन इनको रेगुलेट किया जा सकता है। आप SOPs स्पेशल प्रोसीजर्स बना सकते हैं कि कौन सी गाड़ी होगी, अगर उसमें कोई तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, उसमें कोई लाइट किस तरह की लगी हो, वो रोड के किस हिस्से पे बरकरार रहेगी, वो रोड में किस रफ्तार से जाएगी, वो किन किन डिस्ट्रिक्टों में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी। जो पैसा नाजायज़ तौर पर चेक पोस्टों में लिया जाता है, जो कौमी ख़जाने में नहीं आता सूबे की, वो सूबे के ख़जाने में किसी तरीके से जा सके। वी कैन रेगुलेट एवरीथिंग। रियासत और हुकूमत बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें अगर दो चीज़ें हों, इखलास, संजीदगी और जिद्दत। हर गुजरते वक्त के साथ हुकूमत को ऐसे चैलेंजेस दरपेश हुए दुनिया में हर जगह पे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत, जिद्दत और कमिटमेंट, दो चीज़ें इस हुकूमत में नज़र नहीं आती, जिसके बायस इसी रोड पे जो है हमने हजारों सैकड़ों लाशें उठाई और आज अपने एक ऐसे महबूब दोस्त का जो पूरे बलोचिस्तान के लिए कौमी असासा था, इसका लाश भी उठाने पे जो है हम आज मजबूर हो गए हैं। जनाब स्पीकर, आप इस पे रूलिंग दें, आप हुकूमत को कम से कम ये तंबी कम से कम करें कि इस पे संजीदगी से सोचने का मुजाहरा करें कि इसमें बिठाएं सारे लोगों को, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में ये हो रहा है उनके साथ बिठाएं। हम आपको एक से एक बेहतरीन आइडिया देने के लिए तैयार हैं। हम तक गए ये कह कहकर कि हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत शायद ऐसे मामलों को संजीदगी से लेती नहीं। शुक्रिया जनाब।